हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीडियो एडिटिंग के बारे में। देखिए, मैंने 2-3 दिन में बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, जैसे कि बहुत सारी स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियोस देखी, जिसमें से कई बंदों ने जो है वीडियो को बिल्कुल से एडिट नहीं कर रखा था, बहुत बढ़िया तरीके से एडिट नहीं कर रखा जिस तरह से व्यूवर्स को चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बताऊँगा एक बेसिक सा ट्यूटोरियल, जिससे आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियोस को, जैसे कि आपके सामने एक वीडियो चल रही है, जैसे मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसे जैसे वीडियो डालता हूँ मैं, तो वैसे स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियोस को आप कैसे कैसे एडिट कर सकते हो, तो बेसिक का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और ये पूरी वीडियो मैं एडिट करने वाला हूँ फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, वो भी इन काइनमास्टर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रोल दी इंट्रो प्लीज। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो एडिटिंग के लिए आपको काइनमास्टर चाहिए होगा, तो काइनमास्टर आपके सामने स्क्रीन पे है, तो इसे ऑन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने जो है काइनमास्टर अपने फ़ोन में ऑन कर लिया है, आप भी कर लेना। अब आपको पता है काइनमास्टर को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो भाई इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, और मेरी एक और वीडियो भी है जिसमें मैंने आपको बताया काइनमास्टर को विदाउट वाटर मार्क कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। वैसे मैंने बैकग्राउंड एक डाउनलोड कर रखा है, तो आपको अगर वो भी डाउनलोड करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पर्सनल लिंक दे दूँगा। तो चलिए, मैंने डाउनलोड फोल्डर में डाल रखा अपना, तो डाउनलोड फोल्डर ये रहा मेरा। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो मेरा ये रहा वो वाला बैकग्राउंड जो मेरे को चाहिए। तो गाइस, मैंने ये वाला बैकग्राउंड जैसे सेलेक्ट कर लिया, इस वक्त ये बैकग्राउंड मेरा जो अलग तरह से आता है, ऐसे जूम आउट हो जाता है। तो ये मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम होती है, आपके फ़ोन में नहीं होगा। तो इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं और इसको जो है जितनी आपकी वीडियो है उतनी लेंथ कर लेते हैं गाइस। तो चलिए, इसकी लेंथ हमने जो है लगभग कर ली है, लगभग हमने जो है इसे 10-12 सेकंड किया कर ली है, तो 29 सेकंड कर लिए हमने इस वीडियो की लेंथ। तो अब आपको चाहिए आपकी वीडियो, तो चलते हैं लेयर पे क्लिक है, थोड़ी देर में लेयर पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है लेयर क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करना, मीडिया फोल्डर में जाना है। अब आपको यहाँ से अपनी जो है वीडियो को लेना है। वीडियो मिलती है आपको स्क्रीन कैप्चर में, स्क्रीन कैप्चर जो है पहले से फर्स्ट है, तो उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो है कैप्चर वीडियो आपको ले लेना है। जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पे अपनी वीडियो को, तो यहाँ पे जितनी आपकी मेरी लंबी वीडियो थी, तो मैंने जितना बैकग्राउंड उस हिसाब से इसको यहाँ से कट कर दिया। कट कैसे करते हैं, आपको ऊपर कैंची का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से आप इसे इरेज कर सकते हैं जितनी फालतू है। तो मैंने इसे राइट हैंड साइड पर जो है सारी वीडियो डिलीट मार दी, और जितना है बाकी रह गया वो ये है आपके सामने। अब हमें जो है एक और चीज़ चाहिए, मैं इसकी वॉल्यूम कम कर देता हूँ 2 मिनट। तो चलिए, अब आपके पास जो है एक और चीज़ चाहिए होगा, आपको चाहिए एक स्क्रीन, एक मोबाइल की स्क्रीन की PNG। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ये रहा वो हमारे सामने। तो भाई, इसको हमें बिल्कुल एडजस्ट कर देना है अपने वीडियो के साथ। तो पहले इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं, जितना हमारा बैकग्राउंड जितनी वीडियो है उस हिसाब से इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं। अब गाइस, जो है हमें जो हमारी वीडियो है उसको बड़ा कर देते हैं ताकि व्यूवर्स को दिखे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी जो है फ़ोन की PNG वो ज़रूरी नहीं है, बस हमने जो है ऊपर का कवर दिखाया है कि भाई हाँ कि फ़ोन अच्छा, ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो है फ़ोन ज़्यादा दिखाना है। तो इसको एडजस्ट करते हैं वीडियो को, तो बिल्कुल सही हो गया है। तो गाइस, जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, पहले यहाँ से आप देख लीजिए कितनी कितनी लेयर है, अभी 4 लेयर बन चुकी है हमारी। तो अब हम इसे ऊपर से डन करते हैं। तो अब देखिए, आपको एक और काम करना है, यहाँ पे आपको मैं इसको एक बार प्ले करके, रुक जाइए पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो भाई, ये लेयर वेयर हमने सब चेक वैक करने के बाद, उसके बाद आपको जो है एक काम और करना है, एक काम करना आपको और यहाँ पे, रुकिए पहले, तो यहाँ चलते हैं हम आराम से अपना ले लेते हैं एक्सपोर्ट में। आपको एक वीडियो लेनी है जिसे आपको जो है आपका जो है इंट्रो सेट करना है गाइस। इंट्रो सेट करने का मतलब क्या होता है, आपको पता चले बंदों को कि भाई एक अपने इंट्रो भी लगा रखा है। तो मैं इंट्रो ले लेता हूँ, मेरा 2 सेकंड का इंट्रो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने आपके लिए बनाया है, जैसे कि बूम और ये मेरा नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको इंट्रो सेट किया। अब बीच वाला जो आपको डैश पॉइंट दिख रहा है, आपको इसमें क्लासिक में जाकर 3rd पॉइंट करके सेलेक्ट करके ऑन पिक पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए नो कॉपीराइट म्यूजिक, ठीक
ठीक है, नो कॉपीराइट म्यूजिक की बारी रह गई है, तो हमने इंट्रो भी सेट कर लिया, नो कॉपीराइट म्यूजिक की बारी है, तो चलिए नो कॉपीराइट म्यूजिक की सिलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई आपको कहाँ से डाउनलोड मिलेगा, आपको ये काइनमास्टर में ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने तीन ले रखे हैं, तो हम इसमें से ड्रॉप इट ऑफ वाले म्यूजिक को ले लेते हैं। तो इसको प्लस क्लिक करेंगे तो आपके पास इस हिसाब से आ जाएगा। अब याद रहे, इस जो आप गाना सेट करेंगे, जो कोई सा भी सेट करें, उसकी जो लेंथ है वो उसकी जो वॉल्यूम है बहुत कम कर देनी है, जिससे आपकी जो है वॉइस ज़्यादा आए और उस गाने की जो है साउंड कम आए, जिससे व्यूवर्स जो है आपको जो आपकी वीडियो देख रहा है उसे आपकी वीडियो आपकी जो वॉइस है वो ज़्यादा सुनाई दे। ठीक है, अब जो है हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, जितना हमारा ट्रिम हो रहा है जितना फालतू से हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। अब जो है हमें चाहिए एक अपना आउट्रो, आउट्रो भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, अगर आउट्रो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आउट्रो आपने सेट करना है, आउट्रो देखिए, आउट्रो का मतलब देखिए ये वाला होता है जो वीडियो को एंड में बनता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आउट्रो बनाना बहुत आसान है, आपको वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी, आउट्रो को सेट करने के बाद इस पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना, एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी और आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।